से कि आपने सिर्फ में पहले सारे सिर्फ सुन लो, ऑप्शंस बोल रही हूँ जो मैंने करेक्ट किए हैं, ठीक है? साथ साथ मैं अपनी आंसर की भी मैच कर रही हूँ। आप जस्ट चेक कर लीजिए, वन का डी सेटे, ठीक है? 1D, 2A, देन 3D, 4A, 5B, बी एज अ बॉय, 6D, 6 का D है, 7C, 8B, 9 अगेन B, 10C, 11D, B एज अ बॉय, 12A, 13C, 14 इज A, 15C, 16A, 17C, 18C, 19, 19 इज सी, 18C, 19C, दोनों सी, 20, बी, बी एज अ डॉग, ठीक है, 21, बी, एक सेकेंड, 21, बी, 22, बी, 23, डी, डी एज अ डॉग, 24, ए, 25, बी, 26, डी, डी एज अ डॉग, 27, डी अगेन, 28, डी, 29, ए, 30th, सी, 31st, ए, 32nd, सी, 33, सी, 34, ए, 35 सी, 36 ए, 37 बी क्लाइनफेल्डर, 38 बी 100%, 39 ए, 39 ए, 40th इज डी, डी एज अ डॉग, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, 41 सी, पॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, 42 C 16, 43 C PQ, 44 B Apomixis, 45 D both A and C, 46 D both A and B, 47, 47th में ये जो आपका D वाला था सारा, दैट वाज नॉट अ मैच हेयर, ए बी सी का मैच करना था सिर्फ, और डी वाला कोई मैच नहीं था, ठीक है? ऑप्शंस में 47 में ए आंसर है, ए, 47 इज ए, देन 48 इज अगेन ए, 49 डी, 48 ए, 49 डी, 50th बी, बी एज अ बॉय, ठीक है? डन, 23 डी, डी एज अ डॉग, डी लास्ट, बोथ असर्शन रीजन फॉल्स। हाँ जी बेटा, यहाँ कोई क्वेश्चन है, कोई कंट्रोवर्सी है? सेट मैम ए, 39 एक बार बोलना वापस। 39 यस मैम। ए, 39 स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ द स्पर्म्स ओके फ्रॉम मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ओके मैम। ए। हाँ जी, 42 कब था मतलब? 42 इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन्स कितने 24 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ द रूट रूट विल बी, मैं एक बार 25th का बताना। एक मिनट, 42nd में क्या बोला उसने? एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल 3N होता है ना, सो उसने बोला है कि इसके पास है 24 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है? सो पहले 3N से N की वैल्यू निकालो, N मतलब 8 क्रोमोसोम्स हो गए, 24/3। अब वो पूछा कि रूट में कितने हैं, क्योंकि ये एक एंजियोस्पर्मस प्लांट है, एंजियोस्पर्म लिखा है, तो एंजियोस्पर्म का हर बॉडी पार्ट क्या है? 2N है, सो इट इज 2 × 8, इट इज 16, ठीक है? लोअर ऑर्गेनिज्म लिखा होता N होता, जैसे एल्गी है, टेलोफाइटा या ब्रायोफाइटा के मेंबर्स, वो 8 ही रखते, प्रीडोफाइटा जिम्नोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी में से कुछ लिखा है, तो वो सारे 2N है, तो 16 आए। और कौन सा बोला तुषार? तुषार कौन सा? 25।
25 assertion reason. Template or antisense strand having 3 prime to 5 prime polarity takes part in transcription. Template or coding. Two strands होते हैं ना, एक होता है template strand, एक है coding strand. ठीक है. So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो template strand 3 to 5 dash है, ये मैंने बताया था आपको 3 to 5 dash जो होती है वो structural genes की reading होती. ठीक है. तो 3 dash to 5 dash, this is only taking part in the transcription. तो correct. ठीक है. Non template यानी कि sense strand coding strand that have 3 prime to 5 prime polarity में बात कर रहे हैं, 3 to 5 में उल्टा में बात कर रहे हैं, that is not taking place, taking part in the transcription, that is also true. 3 to 5 में transcription तो नहीं कर रहा, वो भी read करेगा लेकिन same, not complementarily, but 5 to 3 dash, उल्टा नहीं जाएगा, है ना, पर उल्टे में transcribe नहीं करेगा, so that is again true. उल्टे में तो हम उसका कोई role नहीं ना देखते, अगर हमने कोडिंग स्टैंड दिया है उससे नवा स्टैंड बनाने को बोल रहे हैं mRNA, तो आप कैसे बनाएंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, आप उसका सेम ही रखते हैं ना सीक्वेंस, 5 डैश टू 3 डैश है तो सेम ही सीक्वेंस रखेंगे, सिर्फ वो जो यूरेसिल है वो आता जाएगा उसमें थायमिन की जगह, है ना. सो इट इज व्हेन इट इज 5 टू 3 डैश, नॉट 3 डैश टू 5 डैश. सो इट इज सेइंग करेक्ट, दैट इज 3 डैश टू 5 डैश में कोई पार्ट नहीं लेता ट्रांसक्रिप्शन में, ये सही है. पर क्या ये एक्सप्लेनेशन है? नहीं है. वो ये तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि इसमें ये ट्रांसक्राइब नहीं करता है, इसमें ये ट्रांसक्राइब कर रहा है, क्योंकि ये रीजन है ऐसा, ऐसा नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है इसमें. बी आंसर करेक्ट है. बी मैम, बी 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 एज अ बॉय. अच्छा मैम, मैंने डी मार्क किया था, आपने तो गलत किया हुआ था. बी बी एज अ बॉय, बी में आएगा. असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. एक मिनट. हाँ जी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज ओके मैम. ओके ओके. हाँ जी, और कोई सेट ए का? मैम 15th क्वेश्चन में 2 मिनट. यहाँ तो हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा 15th वाला. हाँ जी मैम, वो तो पता है मैम, पर ये क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पूछा है, तो हम तो करैक्टर के बेसिस पे, हम तो करैक्टर ले रहे हैं ना, करैक्टर हो गए ना वो फ्लावर कलर, सीड कलर और वो पॉड कलर. बेटा कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने, कंट्रास्ट कितने, 3 है ना. अदरवाइज वो अगर आपको डबल डबल में बोलते हैं, जैसे आप जो सोच रहे हो, मेरे हिसाब से आप ये सोच रहे हो कि डोमिनेंट्स प्लस रिसेसिव्स 6 बनने चाहिए, आप ये सोच रहे हो ना? Yes, ना? हाँ, तो 6 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है. अगर वो डबल बेस सोचता तो उसके आंसर्स होते 6 7 8 9 समथिंग, है ना. तो बिकॉज ऑफ योर आंसर ऑप्शंस आल्सो यू हैव टू फ्रेम योर क्वेश्चन. ठीक है, आपकी आंसर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी कई बार आपको क्वेश्चन में आंसर ढूंढना पड़ता है. वो तो बात सही है, पर उसने बोला कि कलर बेस्ड कंट्रास्टिंग. अब जब मैंने आपको टेबल लिखाया था तो मैंने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स ही बोला था ना, मैंने कंट्रास्टिंग करेक्टर्स बोला था, और नीचे मैंने सारे करेक्टर्स लिखे थे, ऊपर जहां लिखा था, फिर मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव का टेबल बनाया था, याद है टेबल बनाया था जो 3 कॉलम बनाए थे. पहले वाले में हमने सबसे ऊपर लिखा था कंट्रास्टिंग ट्रेट और 7 करेक्टर्स लिखे थे उसके नीचे, तो वो है उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब वो ट्रेट्स जिसमें वो कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, वो 3 है कलर बेस्ड. लेकिन अगर वो पूछे कि टोटल कितने ट्रेट्स हैं कलर बेस्ड, फिर वो 6 आएंगे, 3 के 6 हैं. ठीक है शिवम? ओके ठीक है मैम, पर 3 के 4 भी तो, 4 भी तो बन ही सकते हैं. 4 क्यों बनेंगे? येलो ग्रीन तो कॉमन ही हो गया. येलो ग्रीन कॉमन है, लेकिन वो उसका करैक्टरिस्टिक जिसके बिहाफ पे, वो तो डिफरेंट है ना चीज. इट इज येलो सीड कलर, इट इज ग्रीन सीड कलर, और येलो पॉड कलर, ग्रीन पॉड कलर, ये अलग है. ठीक है, अलग ही कंसिडर होंगे ना, करेक्टर तो अलग ही कंसिडर होगा ना उसका, आप सेम नहीं उसको कंसिडर कर सकते. कलर्स थोड़ी पूछ रहा है वो, कलर्स इन ट्रेट्स वो 6 होंगे. ठीक है, अच्छा अब फटाफट से सेट बी वाले सुन लो. ए वालों की कंट्रोवर्सीज खत्म होगी सारी, ए में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आया मेरे ख्याल से. बी वालों में थोड़े एक दो क्वेश्चंस को मैंने भी चेंज किए थे, बट एक दो आप भी करवा गए हो. चलो एनी हाउस, ओके लिसन टू द आंसर की अगेन, आई विल क्रॉस चेक इट विद माय आंसर की एज वेल. सो लिसन टू दिस सेट बी, फर्स्ट क्वेश्चन सी 16, सेकंड बी ऑर्थोट्रोपस, थर्ड सी लेबलिंग है सी में, फोर्थ सी, 5 ए, 6 सी, 7 सी, 8 बी,
अच्छा इसका मैं आपको दिखा दूंगी फ्लो चार्ट में, इट इज 8B 9A 10A 11C 12A 13D डी एज अ डॉग ग्राफियन फॉलिकल डी 14A 15A 16C 75% 17A 18D रिसेसिव एंड ऑटोसोमल 19 मैंने बी मार्क किया था बट 19 इज डी डी 19 इज डी ठीक है ये मैंने बी के हिसाब से चेक किया था अगर किसी का है तो प्लीज देख लीजिएगा दिस इज डी आंसर 19 ओके 20th सी 21A 22B 23D डी एज अ डॉग विच बोथ आर फॉल्स 24C अच्छा 24 में यशिका इज मार्किंग अगेन अ क्वेश्चन हेयर सो 24th आई विल कंफर्म एंड आई विल टेल यू ओके 24 White has been marked as C. I will check if the reason is given. Maybe शायद कई बार हम ही words miss कर देते हैं देखते हैं ठीक है वही वाला pigeon वाला हाँ ये मैंने जिस book में से डाला है ना मैं वहां पर पूरा confirm करके फिर आपको बताऊंगी 24th का मैंने C mark किया है और यशिका is saying A. ठीक है So you write A फिलहाल She is saying A. और वैसे बन भी A ही रहा है But still उन्होंने C क्यों लिखा है ये मुझे नहीं पता I will check. 25B 25 is B 26C P and S 27A 28C 29A ये तो आपको उसी में से मिलना था पैराग्राफ से 30th B B as a boy 31A 32B 33A 34C 35B ओनली थर्ड 36 यहां पे बेटा ऊपर क्वेश्चन था शोज द पेरेंटल टाइप बट पेरेंटल टाइप में ए बी तो दोनों सिमिलर ही थी ऑप्शंस है ना सो हूसोएवर हैज मार्क्ड ए और बी आई हैव करेक्टेड इट एंड ऑल्सो डी पेरेंटल टाइप ही है उसमें नीचे रिकॉम्बिनेंट बनाना था पर वो बना नहीं सो ए बी एंड डी ऑल आर करेक्ट है ओके ए बी एंड डी हाँ जी मैंने तीनों को करेक्ट किया है 35th का क्या है बी 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 एज अ बॉय ओनली 3 अगर क्वेश्चन पेपर है तो उसमें देखो बी में ओनली 3 37 इज सी 38 ए 0% 39A 40C 41B ऑक्सीटोसिन 42B 16 43A मैम हाँ जी एक्सक्यूज मैम 37 का B है 37 का C है 37C है बीटा चेन में आता है ना चेंज हाँ जी कहाँ थी मैं 43A 44B 44B 45 अगेन B 46C 47B 48A 49C मैंने इसको सी चेक किया है बोथ ए एंड बी बट इट इज नॉट मालाडी इट इज ओनली सहेली विच इज डेवलप फ्रॉम सीडीआर है मालाडी इज नॉट ओके सो 49 इज ए 49th आंसर करेक्ट इज ए एंड 50th इज डी 1, 2, 3 and 4 करेक्ट पेयर्स करेक्ट ऑप्शंस 1, 2, 3 and 4 यानी कि डी आंसर हाँ नहीं करेक्ट ऑप्शन
अर्ली स्टेज सिम्टम्स ऑफ मोस्ट एसटीडीज इंक्लूड, एसटीडीज के अर्ली स्टेज सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब जब ये स्टार्ट होती है, इचिंग है, स्लाइट पेन, ये सारे लिखे हैं एनसीईआरटी, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्वेलिंग इज हियर, सारे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, 35th का आपने डी सही किया हुआ, डी है उसका। बी 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 एज अ बॉय। नहीं पर पेपर में आपने 35th में आपका है एसएलस एंड स्टाइल वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हां जी, बोला है व्हिच इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिपिक्टेड अबव, ठीक है, यहां पे कौन सा करेक्टली डिपिक्ट हो रहा है। इक्वल अमाउंट ऑफ द हैवी डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए वाज ऑब्जर्वड, हैवी और हाइब्रिड का इक्वल अमाउंट आया है, देखो। हां जी, कहां है मैम ये, उसमें हमने किया हुआ है एनसीईआरटी में, अभी तो आया ही नहीं है। लाइट और हाइब्रिड का है लास्ट में, जनरेशन 2 में क्वेश्चन पेपर में। एक फर्स्ट गलत है इसकी, थर्ड ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है। हाँ ये देखो, ये वाला बना है ना। अब हाइब्रिड यहाँ पे जो दिया था ना, यहाँ पे देखो जो हैवी डीएनए किया यानी 15 डीएनए वाला, उसको बिल्कुल डार्क शो किया हुआ है, ठीक है। ये अब पेपर में भी जब ही आपके आएंगे ना बेटा ऐसे डीएनए बन के, तो थोड़ा सा आपको व्यू करना पड़ेगा कि कलर्ड प्रिंट आउट नहीं आने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान ही देना पड़ेगा। सेकेंड जनरेशन में उन्होंने जब बनाया तो ये डार्क वाला एक स्ट्रैंड बना के दूसरा बिल्कुल लाइट स्टैंड बना दिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तुम्हें ही करनी पड़ेगी, ज्यादा डिफरेंशिएशन हम कर नहीं पाते ऐसी चीज़ें। और लास्ट वाले में दो लाइट वाले हैं फुल डीएनए और दो मिक्स्ड हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो पहला वाला रॉन्ग है। द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई कल्चर वॉज 40 मिनट्स, वॉज इट 40 मिनट्स? यस मैम। 20 भी तो लिखा है ऊपर, सक्सेसिव टोटल उसने बोला है कि जनरेशन क्या, तो पहले से पहली जनरेशन जब बनी तो 20 है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम मतलब बनने का टाइम। पहली जनरेशन कब बनी? 20 मिनट बाद। दूसरी बनी 40 मिनट बाद। तो यहाँ पे 40 मिनट गलत लिखा, गलत जनरेशन का पूछा था। जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई कल्चर, जनरेशन का मतलब क्या है? बनने का समय। हाँ बनने का समय, जनरेशन 1 जनरेशन 2 की बात नहीं कर रहा, वो जनरेशन क्रिएशन फॉर्मेशन वो बोल रहा है। जनरेशन, जनरेशन मतलब फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन का टाइम है वो 40 मिनट्स है, वो 40 नहीं है, वो 20 प्लस है, यानी एवरी टाइम यू आर इंक्रीजिंग इट बाई 20 मिनट्स। ऐसा लिखा होता या सक्सेसिव 20, 40, 60 ऐसे लिखा होता देन इट इज करेक्ट। 20 एड कर रहा है हर बार, वो 20 मिनट बढ़ा रहा है। पहला साइकिल किया तो 20 मिनट, अगला किया तो 20 और बढ़ा दिया, अगला किया तो 20 और बढ़ाएगा ऐसे, ठीक है। जनरेशन, जनरेशन गैप टाइम नहीं पूछा बेटा, जनरेशन टाइम। जनरेशन गैप और जनरेशन में फर्क देख, जनरेशन गैप मींस दो जनरेशन के बीच का टाइम, ठीक है। जनरेशन मींस फॉर्मेशन टाइम। तो पहला साइकिल जो बना उसको 20 मिनट में बना, अगला साइकिल जो बना वो 40 मिनट में बना, 20 एक्स्ट्रा लेके। तो यहाँ उसने एक लाइन में लिखा है जनरेशन टाइम ऑफ इकोलाई कल्चर वाज 40 मिनट्स, जो कि रॉन्ग है। उसको सक्सेसिव देना था ना, 21st देन 40 देन 60 ऐसे। यहाँ वो लिखते हैं कि एवरी टाइम इट इज इंक्रीज बाय 20 मिनट्स, अ न्यू साइकल्स फॉर्मेशन इज इंक्रीज बाय, अ न्यू जनरेशन फॉर्मेशन इज इंक्रीज बाय 20 मिनट्स। ये पर उसने सम अप ही कर दिया सारा, जनरेशन टाइम उसने बोल दिया 40 मिनट, वो रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है जी, यशिका लास्ट वाला था इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए। अब देखो इक्वल अमाउंट बनाना है जनरेशन 2 में, देखो वाज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 2 जनरेशंस। आफ्टर 2 जनरेशन मतलब एक तो पहली जनरेशन है जब ये बना। अब आफ्टर 2 जनरेशन तुम लेके चलोगे कि जनरेशन 2 तो उसमें लिखा है लास्ट वाले स्टेप पे। आपका बेटा डायग्राम जो बुक में बना है ना वो भी सेम ही है, देख लो उसको खोल के। अब अगर आप यहाँ ये सोच रहे हो इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए वाज ऑब्जर्व्ड इन इकोलाई कल्चर आफ्टर 2 जनरेशंस, आफ्टर 2 जनरेशन क्या है? पहली जनरेशन तो यही है जब हमने बना ली थी, ये भी तो हमने ही बनाई है, वो जनरेशन 1, 2 है, वो तो जो हमारा कल्चर लगा है उसकी 1, 2 है, ये भी तो हमने पहली बनाई है ना, ये भी हमने जनरेट किए हैं। तो आफ्टर इसके तो है ही नहीं आपके पास रिजल्ट, इसके आफ्टर तो है ही नहीं है रिजल्ट, तो फिर पहला ये है ना, ये भी तो आपने ही कल्चर किया है, आपने ही उसको रेडियोएक्टिवली लेबल किया। 15 हाइब्रिड इसमें आया, सॉरी नॉट हाइब्रिड, क्या कहते हैं इसको, हाइवी आइसोटोप आया है, तो क्यों आया है? आपने बनाया, ये पहला जनरेट हुआ,
ये सेकंड जनरेट हुआ और उसके बाद क्या आया रिजल्ट आफ्टर सेकंड यानी इसके बाद हाइब्रिड्स के बाद यानी जनरेशन टू में क्या है दो हाइब्रिड हैं दो लाइट है हाँ तो क्या हुए इक्वल अमाउंट हुए 2:2 रेशो होगी ना 1:1 अरे हाइब्रिड की बात कर रहे हैं क्या कर रहे हो कंफ्यूज हो रहे ये देखो एक ये है मेरे पास ये 15N वाला है ठीक है जो पहला मैंने क्रिएट किया आपको कलर नहीं नजर आ रहे होंगे एक मिनट ठहरो बच्चे हाँ जी जो मैंने पहले सबसे पहले बनाया हैवी आइसोटोप वाला वो ये है 15 15 दोनों में लेबलिंग इज विद 15N ठीक है जब ये फर्स्ट स्प्लिटिंग कर रहा है इसने मतलब फर्स्ट इसने साइकिल चलाया तो क्या हुआ ये फर्स्ट में दोनों नवे नवे बनेंगे स्ट्रैंड्स और इनको क्या कहते हैं हाइब्रिड है ना ये फर्स्ट जनरेशन आई जिसमें ये 15 वाले हैं और ऊपर वाले दोनों क्या हैं 14N नॉर्मल है कि नहीं फिर सेकंड नेक्स्ट जब ही जनरेशन बनी तो क्या होगा ये चारों अलग अलग हो जाएंगे ना एक ये फिर नीचे वाले भी दोनों और नवा क्या बन रहा है नॉर्मल नॉर्मल नवा बन रहा है ना तो एवरी टाइम इट इज मेकिंग अ न्यू नॉर्मल वन ऐसे ही बनाना यही आया जनरेशन टू तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के बाद दो हाइब्रिड दो नॉर्मल लाइट वाले ये लाइट है डीएनए ये दो नॉर्मल डीएनए है कि नहीं ठीक है अब ये 15 15 14 14 हाइब्रिड हो गए ये दोनों 14 14 N 14 N वाले लेबल्ड है नॉर्मल हो गए तो ये क्या कह रहा है सेकंड जनरेशन में क्या आ रहा है इट इज 2:2 हैवी एंड हाइब्रिड सॉरी लाइट एंड हाइब्रिड्स दो लाइट है दो हाइब्रिड है तो 1:1 इक्वल अमाउंट होगी ना तो थर्ड स्टेटमेंट में तो बोला ही उसने ये था इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए अगर यहां लिखता इक्वल अमाउंट ऑफ हैवी डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए वो गलत होता हैवी तो आ ही नहीं रहा हैवी तो बस यही खत्म हो गया हैवी वाला पूरा डीएनए यहाँ एम्प्टी खत्म मतलब एम्प्टी नहीं सॉरी फिनिश हो गया कंसेप्ट सो इक्वल अमाउंट ऑफ द लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए वाज ऑब्जर्व इन इकोलाई कल्चर आफ्टर 2 generations सो आंसर इज ओनली 3 यशिका ओके हाँ जी यशिका अनम्यूट योरसेल्फ इज इट ओके मैम मैंने पूछना था एनसीईआरटी में जैसे लिखा है कि इकोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स मतलब जो जनरेशन टाइम हुआ वो उसका डिवीजन का टाइम हुआ ना जनरेशन टाइम उसका 20 मिनट्स बढ़ रहा है ना 20 मिनट्स बढ़ रहा है इसमें टाइम की लाइन क्या लिखी है टाइम लिखा है एनसीईआरटी में कहीं सिर्फ पे लिखा है तो डी कहां पे लिखा है मुझे लाइन वाज एक्स्ट्रैक्ट 105 पेज ये देखो यहाँ पे लिखा है एक मिनट ठहरो आपकी बुक में जहाँ डायग्राम बना है थर्ड पॉइंट फिगर 6.7 के नीचे दस द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम 15 to 14 N दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स मेंशनड है ठीक है इकोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट्स 20 मिनट लगा के डिवाइड कर रही है ठीक है हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन इज After 40 minutes mentioned है ठीक है second generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and of the light DNA ये equal amount वाला तो line ही यहाँ पे है लेकिन जो timings given है वो 20 और 40 है कहीं ऐसा mentioned नहीं है कि every time it is taking 20 minutes ऐसा नहीं है every time it is taking 40 minutes ऐसा भी नहीं first cycle में it took the 20 minutes next cycle it took the 40 minutes कोई फिक्स थोड़ा ना किया उन्होंने कि हमने हर बार 20 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन लिया जैसे अब आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं सलाइवरी माइलेज वाला किया आपने नहीं किया मैं कराऊंगी सलाइवरी माइलेज वाला जो एक्शन ऑफ सलाइवरी माइलेज है उसमें हम आपको बोलते हैं कि टाइम के साथ अपने एवरी 2 मिनट्स के बाद आपने चेक करना है क्या चेंज आ रहा एवरी 2 मिनट्स के बाद मीन्स यू आर पुटिंग दैट पर्टिकुलर स्लैब ऑफ द टाइम तो वो हमारा फिक्स्ड टाइमिंग है अगर ऐसा होता कि यहाँ हर 20 मिनट बाद वो जनरेट कर रहा है नवे डीएनए तो फिर यहाँ पे 20 20 20 20 लिखा होता है ना फिक्स नहीं है पर यहाँ उसने फिक्स कर दिया जनरेशन टाइम इक्वल आएगा 40 मिनट है वो गलत है स्टेटमेंट गलत है स्टेटमेंट का मतलब समझो ना सीधी सी बात है जनरेशन टाइम ऑफ इक्वल आई इज 40 मिनट्स वो गलत है
अगर वो 40 मिनट है तो ये पहला साइकिल 20 मिनट के बाद कैसे बना, ये कंसेप्ट है, समझ गया कि अभी भी नहीं समझ आया? मैंने ये करेक्शन भी करवाया था आपका, लाइट की जगह हैवी फर्स्ट स्टेटमेंट में। हाँ जी यशिका, अभी भी कोई डाउट है? नहीं मैम, हो गया क्लियर। यशिका के अकॉर्डिंग 2 और 3 करेक्ट है? मुझे तो यही लग रहा है। आप 40 नहीं है, सीधी सी बात है, देखो भाई 40 होता तो 20 के बाद कैसे रिजल्ट आता, मैं ये कह रही हूँ। पहली जनरेशन आई है, आप अगर जनरेशन, मैंने तो टोटल भी, ये देखो मैंने जनरेशन 1 से जनरेशन 2 का टाइम आप जनरेशन मार्क कर दिया। आप जनरेशन टाइम को फॉर्मेशन टाइम भी ना समझो, ठीक है? जनरेशन टाइम को आप फर्स्ट जनरेशन बनने का और सेकंड जनरेशन बनने का ये टाइम तो देख सकते हो। उसने कहा कि 40 मिनट है, तो 40 नहीं है ना बच्चे, पहली जनरेशन 20 मिनट के बाद रिजल्ट आ गया। हाँ जी मैम। हाँ तो फिर 40 कैसे हुआ आपको? अच्छा मैं बोलूँ, अगर आपको ये चार्ट दे दिया मैंने और आपको बोलती हूँ मैं करेक्ट ऑब्जर्वेशन लिखो इसमें, आप टाइमिंग्स की ऑब्जर्वेशन लाइन क्या बनाओगे? चलो बताओ, आपको यही एमसीक्यू आ गया कि फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट्स बाद हो रही है और सेकंड 40। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भी यही बोल रही हूँ इतनी देर से। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गई मैम, समझ। अपने मुंह से बोला ज्यादा समझ आता है ना। चलो एनी हाउस, सो वी विल बी फ्रॉम मंडे, बिकॉज टुमारो यू आर हैविंग अ हॉलीडे ऑफ गांधी जयंती, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल बी ओनली एंड ओनली कंसिडरिंग द क्वेश्चंस, ओके? आई वॉन्ट यू ऑल to be involved in that discussions, right? For that, you should be prepared well enough beforehand, okay? Also, I won't be starting it from the sexual reproduction now this time, I'll be starting it from the genetics, molecular basis of inheritance, ठीक है? क्योंकि आपको problem आ रही है ज़्यादा पिछले दोनों chapters में genetics वालों में, ठीक है? So हम last to first की तरफ जाएंगे इस बार, so first we are going to take on Monday, molecular basis of inheritance, I'll be asking you the certain questions. Meanwhile, you finish this, this is tomorrow is Saturday, Saturday, Sunday, you finish your this chapter, properly revise it, do it completely, question paper में से भी solve करो, अच्छे से questions जितने solve कर सकते हैं करिए, और उसके बाद we will have the discussion on this, ठीक है? From Monday onwards, I'll be putting nearly 3-4 days for one chapter, depending upon कितना आप लोगों को ज़रूरत है questions। मैम question paper भी डाल देना, मैम दोनों। Question paper भी डाल देते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट नाउ फॉर योर फाइनल्स, ओके, चलो तैयारी शुरू करिए अच्छे से, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर ऑल, राइट।